अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुमताज़ और आप देख रहे हैं आई आर मुमताज़ यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो जुलाई में होने वाले प्राइस बॉन्ड्स की कुलंदाजी के बारे में है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जुलाई के महीने में किन किन बॉन्ड्स की कुलंदाजी होनी है और उनमें इनामात की क्या तफसील होती है और भी इसकी डिटेल बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अगर हम कुलंदाजी की बात करें तो जो पहला हुकूमत ने स्केड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक जो 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुलंदाजी होना थी 2 जुलाई 2021 को क्वेटा में जुमे वाले दिन, लेकिन चूंकि अब 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड को ख़त्म कर दिया है हुकूमत की जानब से, तो 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुलंदाजी अब शेड्यूल से निकाल दी गई है और 15,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुलंदाजी 2 जुलाई को नहीं होगी। 15,000 की कुलंदाजी खत्म होने के बाद सिर्फ एक बॉन्ड बचता है जुलाई के महीने में जिसकी कुलंदाजी होगी और वो है 750 रुपये वाला। तो इसकी जो कुरानदाजी है वो 15 जुलाई 2021 को होनी है और ये कुरानदाजी लाहौर में होगी। इसमें अगर हम लोग इनामात की तफसील की बात करें तो जो पहला इनाम होता है वो एक इनाम होता है और इसकी जो मालियत होती है वो 15 लाख है। इस तरह दूसरी प्लेस पे 3 इनाम होते हैं और एक इनाम की मालियत 5 लाख होती है। थर्ड प्लेस पे 1696 प्राइजेज होते हैं और जो एक इनाम है वो 9,300 रुपये का होता है। तो इसमें फाइलर पर 15% और नॉन फाइलर पर 30% टैक्स की कटौती होती है। तो ये थे जुलाई के महीने में जो कुरानदाजी होनी है वो सिर्फ एक बॉन्ड की है। इसके अलावा इसके जब नतज आते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।